चाइल्ड लाइन 1098 के द्वारा 14 नवंबर 2020 से चलाए जा रहे चाइल्ड लाइन से दोषी साप्ताहिक प्रोग्राम के तीसरे दिन चाइल्ड लाइन टीम पवई के द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2020 को शासकीय मॉडल उमा विद्यालय पवई में बच्चों के साथ चाइल्ड लाइन से दोषी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम मनाया है। वही चाइल्ड लाइन 1098 बाल अधिकार गुड टच बेड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही बच्चों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए, साथ ही बच्चों को मास्क एवं बिस्किट वितरण किए गए। कार्यक्रम में बीईओ राजकुमार वर्मा जी, मॉडल विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य केशव प्रसाद पाल, सुरेंद्र सिंह पटेल, लक्ष्मी शंकर गुप्ता, भरत कुमार अहिरवार, पुलिस SI अंजलि सिंह राजपूत, प्रभारी उत्कृष्ट प्राचार्य रामकृष्ण नगायच, चाइल्ड लाइन टीम से समन्वयक स्नेहलता चौधरी, टीम सदस्य बलराम विजय व जनसहा से मैया दीन चौधरी, रमेश चौधरी, छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे। आपका नाम क्या है, जो आज आपने कार्यक्रम किया उसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम स्नेहलता वर्मा है, मैं चाइल्ड लाइन में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ पवई क्षेत्र में। और जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो चाइल्ड लाइन से दोस्ती साप्ताहिक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कंटिन्यू चलेगा। इस प्रोग्राम के इस सप्ताह के अंतर्गत हम लोग अलग अलग गाँव में जाकर के, अलग अलग स्कूलों में जाकर के अलग अलग प्रोग्राम मनाएंगे, बच्चों के साथ गतिविधि करेंगे। और जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग बच्चों को चाइल्ड लाइन 1098 व पॉस्को एक्ट, गुड टच बेड टच, साथ ही बच्चों के जो बाल अधिकार हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, और बच्चों को कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए गए हैं, साथ ही बच्चों को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए मास्क दिए गए हैं व बिस्किट वितरण किए गए हैं। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।